मोंटाज या फिर मोंटाज, ये दो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं. मोंटाज बेसिकली फ्रेंच में बोला जाता है और मोंटाज इंग्लिश में बोला जाता है. बेसिकली इसका ओरिजिन फ्रेंच सिनेमा से ही हुआ था और इसका मतलब है एडिटिंग या फिर असेंबली. इनिशियली फिल्म मेकिंग में जब इसका यूज़ करना शुरू हुआ तो इसका मकसद ये होता था कि जस्ट इसमें 3 से 4 शॉर्ट्स के अंदर भी सारी स्टोरी जिसके डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं उन शॉर्ट्स को एक साथ कंपाइल करके यूज़ कर लिया जाता था. वक्त के साथ साथ इसका यूज़ बदलता गया और बेसिकली ये होता क्या है आपके पास कि आपके पास सीरीज ऑफ शॉर्ट्स हैं, आपके पास बहुत सारे डिफरेंट शॉर्ट्स हैं, आपके पास पूरी फिल्म में से शॉर्ट्स हो सकते हैं, आपके पास विजुअल स्टिल कुछ भी इस तरह का हो सकता है और जिसको आपने एक साथ इस तरीके से एडिट करना है, इस तरीके से कंपाइल करना है कि आपके पास एक कंटिन्यूस सीक्वेंस बन जाए. तो ये एक बेसिकली इसकी डेफिनेशन है. इसका मकसद आप कह लें ये हो सकता है कि एक बहुत बड़े टाइम ड्यूरेशन को, बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ को, बहुत बड़े नैरेटिव को आपने एक छोटे से टाइम स्पैन के अंदर कवर कर लिया. कुछ एग्जांपल्स इसकी आपको मूवीज़ में इस तरह से मिलेंगी कि अगर मिसाल के तौर पे एक बॉक्सर है और वो अपनी बॉक्सिंग के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा है, वो बिल्कुल अगर आप उसको स्क्रैच से दिखाना चाहें तो वो बिल्कुल बॉक्सिंग उस तरह से प्रोफेशनली करता नहीं था, फिर उसने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की, उसने अपनी डाइट पे तवज्जो दी, उसने अपनी वेट ट्रेनिंग की, उसके बाद कार्डियो करता था, सारी चीज़ें इस तरह से. तो उसके लिए उसको बेसिकली अपना सारा वो जो एक सीक्वेंस था उस सारी चीज़ों की स्टोरी एक मोंटाज के अंदर, एक कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपने कंपाइल कर दी. अगर आप सेपरेटली उसको उस तरह से रखते तो उसका वो मीनिंग भी नहीं रहता और शायद वो इम्पैक्ट भी ना होता और आपके पास मूवी में इतना टाइम भी ना होता जिसको आप इस्टेब्लिश कर सकते. तो एक तो इसका मकसद ये होता है और दूसरा मकसद इसका मुझे लगता है ये भी हो सकता है कि जस्ट एक शॉट को, जस्ट एक सीक्वेंस को थोड़ा सा ग्लैमराइज करना. बाज दफ़ा आपका ग्राफ मूवी का बिल्कुल स्टैटिक सा चल रहा होता है, आपकी एक नॉर्मल पेस पे फिल्म चल रही होती है, तो मोंटाज से वो बिल्कुल थोड़ा सा अपबीट हो जाती है चीज़ आपकी. डिफरेंट शॉट्स डिफरेंट टेक्निक्स के साथ आपके पास आ रहे होते हैं, आप इस आपके पास मार्जिन होता है, आप थोड़े से इफेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को, तो वो बिल्कुल जो सीन आपका उस तरह से ड्रैग हो रहा होता है, मूवी आपकी स्टैटिक चल रही होती है, तो मोंटाज से उसमें थोड़ी सी एक जान पड़ सकती है. इसके अलावा जो मोंटाज की टेक्निक है बेसिकली उसकी वजह से ही आपके फर्दर प्रोमोस, ट्रेलर्स या जिस तरह से भी आप शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को देखते हैं तो वो टेक्निक भी बेसिकली आपकी वहाँ से इस्टेब्लिश हुई कि किस तरीके से आपने डिफरेंट जगहों से डिफरेंट सीक्वेंसेस से चीज़ों को उठा के जो कि डिफरेंट टाइम जोन डिफरेंट तरीके से एडिट हुई हुई है और उन सबको आपने कंपाइल कर दिया एक कंटिन्यूस सीक्वेंस के अंदर. आप समझते हैं कि अगर बस 3 घंटे की मूवी है तो मे बी आपने उसको 40-50 सेकेंड 30 सेकेंड मे बी 1 मिनट के अंदर आपने उसको पूरा कंपाइल करके पूरा एक सीक्वेंस मोंटाज की शक्ल में बना दिया. तो बेसिकली ये तो हमने एक बेसिक सा यूज़ इसका देख लिया कि किस तरह से आप उसको एक साथ कंपाइल करके मोंटाज की शक्ल में यूज़ करते हैं. इसका फर्दर अगर यूज़ की बात करें तो बेसिकली एक तो मेन यूज़ तो स्पीडअप है इसकी, ओवरऑल आपने चीज़ों को स्पीडअप कर दिया. दूसरा आपके पास है कि आपने डिफरेंट स्टोरी लाइंस को एक साथ कंबाइन कर दिया. अक्सर मूवीज़ में आपके पास अगर डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स की अलग अलग स्टोरीज हैं, तो आपने एक मोंटाज में ही सबकी स्टोरीज को एक साथ रख के उसको कंपाइल इस तरह से किया कि आपके पास सारी स्टोरी लाइन एक ही सीक्वेंस के अंदर बंद हो गई. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी हो सकती है कि आपने अपने करेक्टर्स को डिवेलप किस तरह से करना है. अगर कोई करेक्टर उसमें है, डिफरेंट करेक्टर्स हैं फिल्म के अंदर, एक आपका स्टूडेंट है, एक में भी जॉब करता है, तो उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, उनकी रूटीन क्या है, किस तरीके से आप वो इस्टेब्लिश करेंगे करेक्टर को कि अगर एक बंदा ऑफिस जाता है तो वो किस तरीके से सुबह उठता है, वो रेडी होता है, जाता है, ऑफिस जा रहा है, स्टूडेंट है वो किस तरीके से अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुँचता है, तो वो आपने अपने करेक्टर्स को इस्टेब्लिश करने के लिए बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक हो सकती है मोंटाज की शक्ल में कि आपने उनको जस्ट उनके उस सीक्वेंस को कंपाइल करके आपस में एडिट करके अपने करेक्टर्स को इस्टेब्लिश कर दिया. जो टेक्निक मोंटाज में यूज़ होती हैं वो हम पिछले लेक्चर्स में देखते भी आए हैं और काफ़ी हमने इन डेप्थ उनकी स्टडीज़ की हैं एग्जाम्पल्स के साथ. तो सबसे पहली टेक्निक इसमें म्यूज़िक है. म्यूज़िक बड़ा कॉमनली यूज़ किया जाता है. आप सोचें कि अगर आपके पास डिफरेंट वेरिएशन, डिफरेंट टाइप्स के शॉट्स, डिफरेंट सीक्वेंस के शॉट्स आपके पास अगर एक साथ जोड़ना शुरू हो जाएं तो आपको एक थोड़ा सा रिदम उसमें चाहिए. और अक्सर मोंटाजेस में हमें ये देखने को भी मिला है कि उस पर डायलॉग कम से कम होता है.
मे बी उसमें एक नरेशन लेके चल रही हो, लेकिन ओवरऑल जो उसमें डायलॉग होगा वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि म्यूज़िक की सिलेक्शन इस तरह से हो, उस मोन्टाज की ओवरऑल फील, उसका ओवरऑल एंगल और जो भी उस तरफ जिस तरीके पर आप उसको लेके चलना चाहते हैं वो उस तरह से ही आपको उसका वो इम्पैक्ट आ रहा हो। दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें, क्विक कट्स। आपके जो कट्स होते हैं वो बड़े क्विक होते हैं, मतलब आपकी पेस हमेशा से तेज़ होगी। क्विक कट होंगे तो आपकी पेस पे फर्क पड़ेगा और वो तेज़ तेज़ होगा, और यही मोन्टाज का मतलब मेन मकसद भी यही है कि आप क्विकली चीज़ों को, इतनी सारी चीज़ों को एक जगह बंद करके उसको एक साथ दिखा सकें। वॉइस ओवर अक्सर लेके चल रही होती है इसको, नरेशन इसमें हो सकती है। मिसाल के तौर पे एक करेक्टर ही अपने आप को बता रहा है कि मैं ये था, मैं ये हो गया, तो वो साथ साथ ओवरलैप चीज़ें उस पर हो रही है मोन्टाज के अंदर, वो सारी चीज़ें उसमें आती जा रही हैं। डायलॉग कम से कम इसमें होगा, और इसके अलावा कैमरा मूवमेंट्स जो होंगी वो काफ़ी रिपीटेड हो सकती हैं इसमें। मतलब आपके पास इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप शॉर्ट टाइप्स आप डिफरेंट में जाएंगे या फिर आप मैच कट्स बनाएंगे, तो वो रिपीटेड मूवमेंट्स कैमरा की इस तरह से डिफरेंट शॉट्स में हो सकती है इसकी। मैं आपको साथ ही कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरीके से मोन्टाज बनाया जाता है, आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम एक हॉलीवुड मूवी में से एग्जाम्पल लेते हैं, आइए देखते हैं इसको। Police Constable Nicholas Angel, born and schooled in London, graduated Canterbury University in 1993 with a double first in politics and sociology, attended Hendon College of Police Training, displayed great aptitude in field exercises, notably urban pacification and riot control. तो आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से उस डिफरेंट सीक्वेंस को एक साथ कंपाइल किया गया, लेकिन इस फॉर्म में कि वो आपको बिल्कुल एक कंटिन्यूस सीक्वेंस लगा, और वो सारी स्टोरी जो इतनी ज़्यादा लंबी हो सकती थी ड्यूरेशन वाइज, वो आपकी एक छोटी जगह पर बिल्कुल छोटी ड्यूरेशन के अंदर सम अप हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको मोन्टाज का या मोन्टाज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप इसको जब भी करें, आप इसको एक, मैं आपको इसमें टिप ऐड कर दूँ, इसमें आप इसको उस तरह से भी कर सकते हैं कि आपके पास एक फुल फाइनल एडिटेड सीक्वेंस है, और उसके बाद आपने जब फाइनल सीक्वेंस में से चीज़ें पिक की तो आपके पास मोन्टाज के लिए बेहतर हो गया। अगर आप रॉ फुटेज में से शुरू हो जाएंगे, अन एडिटेड फुटेज में से इसको मोन्टाज बनाना शुरू हो जाएंगे, तो वो शायद उसका वो इम्पैक्ट ना आए, आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बात कि आप वो वाले शॉट्स शायद यूज़ कर लें जो ऑलरेडी उस फिल्म का हिस्सा आगे हो भी ना, तो आप फाइनल फॉर्म से इसको उठाएं। इसलिए अगेन वही वाली बात कि आपके पास जब रफ कट बन जाता है, फिर फाइन कट में आप जाके मज़ीद ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कोई शॉट ऐड ऑन करना हो, कुछ निकालना हो, या किसी को रिप्लेस करना हो, आप वो कर सकते हैं। मोन्टाज बहुत फन पार्ट है एडिटिंग का। आप इसमें क्विक कट्स के साथ साथ और इफ़ेक्ट्स वगैरह के साथ भी प्ले अराउंड कर सकते हैं। जितनी चीज़ें आप साथ साथ सीखते जा रहे हैं वो सब चीज़ें एक साथ आप इसमें पर्पसली जहाँ पर ज़रूरत हो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिस करें, आप इसको ट्राई करें, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको काफ़ी इन्जॉय करेंगे।